और साथ में हमने ले लिया है एस्टीम। और ठंडे में कौन पीता है भाई कोई नहीं पीता है, लेकिन हम पी रहे हैं और देखते हैं। हे गाइस, तो अभी हम बनाने वाले कुछ बेहतरीन और अलग यूनिक तरीके से कुछ बनाने वाले हैं, और आपके स्क्रीन पे हम दिखाने वाले क्या क्या बनने वाला आज। और आज मूड बनाने का है, कुछ मन कर रहा है स्पेशल कुछ बनाएं, और आप लोगों के भी साथ शेयर कर रहे हैं कि कैसे हम बनाते हैं खाना। और स्पेशल हम मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्पेशल मुझे बिरयानी बहुत अच्छा लगता है, तो हम बिरयानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए हमको क्या लेना पड़ता है, तो आपको देख रहे हैं सामने आपके रखा हुआ है फूल गोभी, इसको हम बोलते हैं गोभी फूल। ये है एक मूवी में जैसे बोलता है ना कि कोई फूल नहीं है तो गोभी का फूल देके प्रपोज करता है तो हम प्रपोज नहीं करने वाले, इसे आप बनाने वाले हैं। ये देख सकते हैं फ्लावर है, फूल गोभी है। और इसके लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, तो हम ले लिए हैं सोयाबीन का पैकेट। ये देख सकते हैं सोयाबीन का पैकेट है, जो कि पोषक तत्व है और इससे बहुत ही ताकत मिलता है। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। और इसके लिए हमने ले लिया है अदरक, और साथ में ले लिया है प्याज, ओनियन जिसको बोलते हैं। अभी मात्रम कैसे किलो है, हमारे इधर तो 70-80 का भी चल रहा है, आपके इधर कैसे रेट चल रहा है आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। और इसके लिए हमने लिए है मीट मसाला, कोई भी चलेगा, चिकन आप डालते हैं या गरम मसाला, गरम मसाला तो डालते हैं, स्पेशल चिकन मसाला भी डालते हैं। और साथ में हमने ले लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, इससे क्या होता है टेस्टी बन जाता है इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, और अलग से भी हमने ले लिया। और साथ में ले लिया है नींबू और मिर्च, कहीं नज़र नहीं लग जाए, तो इसके लिए साथ में नींबू और मिर्च ऐसे लगा देते हैं। इसको क्या करेंगे, कटिंग करेंगे, तो चलिए कटिंग करेंगे। और इसके लिए पहले हम लेते हैं थोड़ा सा बारीक, में हमने चावल ले लिया है, और चावल स्वाद जितना खा सकते हैं, हम तो जितना खाते हैं उसके अनुसार से ले लिए। और देखिए एकदम बहुत ही मस्त बासमती चावल ले लिए, तो इसको हम अभी बनाने वाले रेसिपी, और एकदम बेहतरीन तरीका से जब तैयार हो जाएगा तो मज़ा आएगा खाने में। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। और फूल गोभी का आप लोग एक बात बताइए, आप लोग कभी किसी को अगर फूल नहीं हो तो घर में सब्जी हो तो इसे भी दे के प्रपोज कर सकते हैं बाय द वे इंजॉय कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा है। तो चलिए हम बनाते हैं, अभी अदरक हो गया, नींबू हो गया, सारा चीज़ हो गया मेरे पास, तो इसको थोड़ा कटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हम कटिंग करने वाले हैं, और सबसे पहले गोभी को काटते हैं, तो थोड़ा गोभी ले लेते हैं टन टन, और हमने दो गोभी ले लिया और सोयाबीन रख दिए हैं। और इस दो गोभी को हम क्या करेंगे, इसे काट लेंगे, और इसे हमने चार भाग कर दिया, दो भाग किए और अभी दो भाग, ओ देखने के चक्कर में है ना गड़बड़ हो जा रहा है कटिंग, और कटिंग गड़बड़ हो जाएगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा ना, तो इसे हम कर दिए, ठीक है, साइज सब गड़बड़ हो रहा है, क्या करें। तो पहले क्या करते हैं हम, तो अदरक ले लिए और साथ में हम मिर्ची ले लिए, और इसे क्या करने वाले हैं, बारीकी से हम इसको कटिंग करने वाले हैं, और इसे हम बारीकी से कटिंग कर लिए। और इसके बाद लेते हैं प्याज, ये देखिए मेरा प्याज है, और इसे हम प्याज हमने कटिंग कर लिया है, और गैस को बंद कर दिए, और जब गैस बंद हो गया आराम से इसको कटिंग करते हैं। ये सारा चीज़ कटिंग हो गया, इसके लिए क्या करेंगे, इसको है ना, इसको लेके हम, ये मिर्ची है, और इसमें हम थोड़ा मिर्ची को डालेंगे, इसमें तोड़ कर इसमें हमने डाल दिया, और साथ में लहसुन डाल दिए, लहसुन ये ले लिए, लहसुन डालेंगे और अदरक डाल के, और इसको मेन हथियार, लेडीज़ का हथियार ये होता है, तो इसको हम क्या करेंगे साफ कर लिए, और इसमें स्टूडेंट लाइफ में ऐसे ही बनाते थे, तो अभी इसके हम वो यूज कर रहे हैं, नींबू का बाद में यूज करेंगे। अभी गोभी ले लिए, गोभी कटिंग हो गया, सारा चीज़ हो गया, और साथ में देखिए यहाँ पर मेरा ये सोयाबीन भी तैयार हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं,
कंटिन्यू बने रहे, अभी तो मज़ेदार किस्सा भी बाकी है। हेलो दोस्त, तो अब हो गया है खाना तैयार और यहाँ पर देख सकते हैं मेरा बिरयानी बन गया और कुछ बिरयानी इस प्रकार से बना। हमने ले लिया है नींबू, तो नींबू क्या करने वाले, नींबू तो इसमें डाला हुआ है, थोड़ा ऐसे इसमें गाड़ देंगे थोड़ा थोड़ा, जिससे वो क्या होगा और भी मज़ेदार हो जाए खाने में। और यहाँ से देख सकते हैं हमने ले लिया प्याज और साथ में ले लिया है मूली और हमारे साथ है ये हरी हरी मिर्च, तो इसे हम खाने वाले। और साथ में देख रहे हैं ये सोयाबीन है, बहुत ही टेस्टी लगता है। और साथ में हमने ले लिया है एस्टीम, और ठंडे में कौन पीता है भाई कोई नहीं पीता है, लेकिन हम पी रहे हैं और देखते हैं कैसा लगता है। तो पहले हम इसको लेते हैं भाई, और ये मेरा स्ट्रिंग है और ये बिरयानी। भाई लगता तो है जवाब और बहुत ही अभी मस्त लग रहा है। हमने सारा चीज़ इसमें डाला और इसको बनाया है और ताकि देख सके कि कैसा लग रहा है खाने में, और बहुत ही मस्त लग रहा है और यम्मी लग रहा है। और ये एक बात बता दे, ये बिरयानी कम तैयारी ज़्यादा हो गया क्योंकि बिरयानी में थोड़ा फर्रा रहता है, उस प्रकार हुआ नहीं, लेकिन मस्त लग रहा है। आप भी कभी बना के खाइएगा ऐसा। और थोड़ा हम इसको भाई कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक नहीं है स्टीम, और ये एनर्जी ड्रिंक है। हाँ भाई ये मीठा बहुत है, बहुत तो भाई मज़ा आ रहा है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, बाय बाय। और जाने से पहले आप लोग लाइक करके जरूर जाइएगा। बाय बाय।